तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमर बाई और हुडंगे के बीच में होने वाले आज के ECS स्वीडन T10 मैच के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हर एक प्लेयर के बारे में बताऊँगा दोस्तों, किसको आपको अपनी टीम में लेना है और किसे कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको करना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, तो वहां से आप लोग आ सकते हो फटाफट से टेलीग्राम। दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करने का एक फ़ायदा रहेगा, यहां पे ऑफिशियल लाइनअप जो है वो मिल जाता है और मेरी टीम मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आप खेल सकते हो थोड़ा बहुत अपने माइंड लगा करके। तो दोस्तों, आपको ओवरऑल यहाँ पर आपको एक इंटरेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आ जाइए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो दोस्तों, इस मैच में मैच नंबर 34 रहेगा। इस एशियन स्वीडन T10 का HAM और HUD के बीच में खेला जाएगा। 6:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। वेदर की बात करें तो रेन के चांस यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ठीक है। और वेन्यू रहेगा मरसता क्रिकेट क्लब स्टॉकहोम का। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल 30 मैच यहाँ खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 19 मैच, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने 11 मैच विन किया है। एवरेज स्कोर आपको 100 से 120 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टीम HAM मतलब हैमर बाई के प्रॉपर प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इनकी टीम से मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे रोहेल खान और अर्सलान अली। मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों ही ओपन करने चाहिए दोस्तों, और दोनों ही ठीक ठाक प्लेयर हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे, ठीक है। रोहेल खान का देख सकते हो यहाँ पर 36, यहाँ पे 30, यहाँ पे 36, तो मतलब 2 इनिंग इतकर आया हुआ है। अच्छा है दोस्तों प्लेयर, बिल्कुल लेकर के चल सकते हो। विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दे करके जा सकता है, ठीक है। अर्सलान अली हैं, 31, 34, 17 रन की इनिंग खेल के आया दोस्तों। ठीक ठाक प्लेयर है, बिल्कुल लेना चाहो तो अपनी टीम में इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आजम मोहम्मद है, प्लेयर हार्ड हिटर बैट्समैन है, लेकिन दोस्तों अभी तक उतना अच्छा खासा बैटिंग से इसका देखने को नहीं मिला परफॉर्मेंस। और एक मैच था उसमें 39 किया था। बाकी दोस्तों पिक करके चलना है। बॉलिंग भी पार्ट टाइम कराता है ये, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक ओवर कराया, यहाँ पे एक ओवर करके एक विकेट भी लिया, तो पार्ट टाइम और बॉलर भी है, बिल्कुल आप लेकर के चल सकते हो। उसके बाद आएंगे दोस्तों खालिद महमूद, जो 2 ओवर की बॉलिंग आपको करा करके देगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है ये। उसके बाद आफ्ताब अहमद है दोस्तों, ये भी 2 ओवर की बॉलिंग आपको हर मैच में करा करके देता है, बिल्कुल इसको आपको अपनी टीम में रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सैयद फैजन है, ड्रॉप करके चलना, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है और चांस भी इसको नहीं मिल रहा है। और इमरान उल्ला, इसको भी ड्रॉप करके चलिएगा। नीचे से दोस्तों उमेश जावेद हैं, जो कि 2 ओवर की बॉलिंग लास्ट मैचेस से करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक विकेट मिला, यहाँ पे विकेट लेस रहा है, फिर इनको विकेट मिला, तो ये इनका रिकॉर्ड है, देख सकते हो। प्लेयर ठीक ठाक हैं, लेकर के चल सकते हो। मोहम्मद मुनीर है दोस्तों, खेलेंगे तो ये भी 2 ओवर की बॉलिंग आप करा करके देंगे। यहाँ पे एक विकेट है दोस्तों, और यहाँ पे भी एक विकेट है, तो अच्छा रिकॉर्ड है इनका भी, ठीक है, T10 के अंदर लेकर के चल सकते हो। राशिद काजी हैं, ये भी लास्ट मैचेस से 2 ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, तो दोस्तों राशिद काजी को लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। ईसा फारूक आएंगे दोस्तों, उसके बाद पार्ट टाइम बॉलिंग कराता है, ठीक है। ग्रैंड लीग की टीम में बिल्कुल इसको लेकर के चलना है आप लोग को, ठीक है। स्मॉल लीग के लिए सहेज नहीं करूँगा अभी के लिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ दोस्तों, तो आपके लिए रहल खान को ट्राई कर सकते हो, अर्सलान अली, आजम मोहम्मद, खालिद महमूद को ले सकते हो। नीचे से आफ्ताब अहमद को ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से दोस्तों आप मोहम्मद मुनीर को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो, तो मोहम्मद मुनीर को लेकर के चलना। राशिद काजी को किसी टीम में ट्राई करना चाहो तो इसको भी करके ले चल सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। राशिद काजी, ईसा फारूक जैसे प्लेयर्स को ग्रैंड लीग की टीम में मोस्ट प्रॉब्ली आपको लेना है, ठीक है। बेंच के प्लेयर यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, खेलेंगे तो कोई भी खेले तो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों, तो रीड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी खेले तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा कि ये प्लेयर नया खेल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग के ओवर की बात करें तो आफ्ताब अहमद, मोहम्मद मुनीर, डेथ के ओवर्स में खालिद महमूद, उमेश जावेद बॉलिंग करते दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टीम HUD के प्रोबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इनकी टीम से ओपन करेंगे इमाल जुवक और तारिक जुवक, ठीक है, दोनों मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे। इमाल जुवक आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देता है, साथ ही दोस्तों रन से भी पॉइंट आपको दे करके जाएगा, बिल्कुल लेकर के चलना है। तारिक जुवक दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग करेगा और साथ ही ओपनिंग करता है, बिल्कुल आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिल्कुल आपको लेकर के चलना है इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साहिद अहमद आएंगे, ये भी 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, हार्ड हिटर बैट्समैन भी है, साथ ही दोस्तों बॉलिंग से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है इसका, बिल्कुल ये आपकी टीम में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उमरान जजाई हैं, उमरान जजाई भी 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है लास्ट मैचेस से दोस्तों, इसको बॉलिंग भी दिया जा रहा है, हार्ड हिटर बैट्समैन भी है दोस्तों, बिल्कुल लेकर के इसको
चलना है आप लोग को, ठीक है। नासिर इकबाल 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन करता है, यहाँ पे 26 रन देख सकते हो, यहाँ पे भी 26 बनाया था, और दोस्तों विकेट भी यहाँ पे लगभग इसको मिल ही जाता है, तो बिल्कुल ही आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सामी उल्ला रहमानी है, ये भी दोस्तों 1 से 2 ओवर की बॉलिंग करा लेता है जब जब जरूरत पड़ता है टीम को, और ये प्लेयर भी काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है, बिल्कुल इसको लेकर के चलना है आपको, अपनी टीम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। राशिद खान है, यहाँ से ड्रॉप करके चलना, यासिन खान को भी ड्रॉप करके चल सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ठीक है। मोहम्मद जफर को ड्रॉप करके चल सकते हो, नजीबुल्ला को ड्रॉप कीजिएगा नीचे से दोस्तों, फारह मोहम्मद को भी मैं ड्रॉप करके चलूँगा, ये सब ग्रैंड लीग के पिक हैं, स्मॉल लीग के बात नहीं करेंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं दोस्तों आपको मैं एक बार बता दूँ, तो यहाँ से इमाल जुवक हैं, तारिक जुवक हैं, साइद अहमद को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों ओमर जाई को ले सकते हो, उमरान जजाई को, और नासिर इकबाल, और यहाँ से दोस्तों सामी उल्ला रहमानी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों बेंच के प्लेयर्स हैं यहाँ पे कुछ, इनको भी देख सकते हैं आप, इनके रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी खेलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कोई भी खेले तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग के ओवर की बात करें तो यहाँ पे साइद अहमद और आपको नासिर इकबाल, डेथ के ओवर में दोस्तों साहिद अहमद, तारिक जुवक बॉलिंग करते दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं एक डेमो टीम की। दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिखेंगे ALE, आई जुवक, आर खान, ठीक है। मुझे तो आई जुवक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। बाकी आप दोनों में से किसी एक प्लेयर को भी लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी के लिए दोस्तों मैं बैटिंग सेक्शन में आऊँ तो यहाँ जजाई, यहाँ से मोहम्मद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको मैं अपनी टीम में लेकर के चलूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लेना चाहो तो अब्दुल्ला खेलेंगे, तो इनको ट्राई कीजिएगा, मस्ट हैव पिक रहने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन बहुत कम रहेगा। उमेश जावेद भी 2 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, तो किसी भी मैच में आपको पॉइंट दे सकते हैं दोस्तों, ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल लेकर के चल सकते हो। आ जाता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है के महमूद बॉलिंग प्लस बैटिंग, एस रहमानी बैटिंग प्लस बॉलिंग, ठीक है। आफ्ताब अहमद इंपॉर्टेंट, ठीक है। नासिर इकबाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से साइद अहमद इंपॉर्टेंट है, टी जुवक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये 6 प्लेयर्स ऑलराउंडर सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन 6 प्लेयर्स के बिना तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में देखें तो मुनीर इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। मुनीर मेरी टीम में बिल्कुल रहेंगे, और दोस्तों यहाँ से अगर मुझे प्लेयर को लेना पड़े तो एफ मोहम्मद को नहीं, लेके मैं दोस्तों यहाँ से अपने प्लेयर्स लूँगा दोस्तों, किसी को भी मैं यहाँ से अपने प्लेयर्स ले लूँगा, या फिर मैं अर्सलन अली को अपनी टीम में लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन में बताऊँ तो उमर जजई हैं, और दोस्तों यहाँ से टी जुवक हैं, एस रहमानी हैं, और एस अहमद है दोस्तों। तो इनमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और फाइनल टीम, फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।